बरेली में 5 दिवसीय प्रथम उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक भारोत्तोलन क्लस्टर योगा एवं पावर लिफ्टिंग महिला पुरुष प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। यह प्रतियोगिता बरेली के पुलिस लाइन में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की 12 जोन की टीमों ने प्रतिभाग किया, जिसमें बरेली, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ, पीएससी पूर्वी, पीएससी पश्चिमी, पीएससी मध्य जोन की टीमों ने योगा, पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगिता आयोजित की गई। एडीजी जोन बरेली रमित शर्मा ने अलग अलग वर्ग के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और मेडल पहनाकर पुरस्कृत किया। इस अवसर एडीजी जोन रमित शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, इस प्रतियोगिता में सभी खिलाड़ियों ने अपनी अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन किया है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर कई खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं। उन्हें अपेक्षा की जाती है कि वह अपने प्रदर्शन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ले जाकर देश का नाम रोशन करेंगे। सर, आज प्रतियोगिता का समापन हुआ, किस प्रतियोगिता थी और कैसे कौन-कौन गेम आयोजित किए? ये उत्तर प्रदेश लेवल की इंटर जोनल प्रतियोगिता भारोत्तोलन योगा पावर लिफ्टिंग की 2024 वर्ष की बरेली पुलिस लाइन में आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता एसएसपी बरेली और उनकी टीम के द्वारा बहुत ही स्वस्थ माहौल में आयोजित कराई गई। कहीं पे किसी प्रकार का विवाद नहीं आया और तरह तरह के प्लेयर्स ने अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए अलग अलग मेडल्स जीते हैं। आज उसी का समापन हुआ है और उस समापन पे भी प्रदर्शन किया है कई खिलाड़ियों ने अपनी अपनी प्रतिभा का, जो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन था। एसएसपी साहब की टीम के द्वारा एक बहुत मेहनत के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित कराया गया और इस वर्ष कई खिलाड़ी हैं जो नेशनल्स में भी खेले हुए हैं और उन लोगों से उम्मीद की गई कि आगे जाके वो और अच्छा नाम कमाएं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए।